हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एरे बेस्ड प्रॉब्लम्स की। तो आपकी एल्गोरिदम में जब भी एरे बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको करने के लिए आपको बेसिक एरे का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो एरेज आपके क्या होते हैं? ये मैकेनिज्म है ऐसा जो अलाउ करता है, विच अलाउ अस टू स्टोर एंड सिस्टमेटिकली मैनिपुलेट लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? ये पहली बात कि सिमिलर और लार्ज डेटा के लिए हम यूज करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा है, लेट्स से मेरे पास स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स हैं, तो वो मुझे, या फिर कह सकते हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। तो अब किसी के मार्क 10 आए हैं, किसी के 20 आए हैं, किसी के 5 मार्क्स आए हैं, आउट ऑफ मान लीजिए 25 सेशनल के आपके मार्क्स हैं, किसी के 7 आए हैं। तो अब ये सारी वैल्यूज मैं कहाँ स्टोर करूं? अब इसमें एक चीज आप देखेंगे कि सिमिलैरिटी ये है, सारा डेटा आपका इंटीजर टाइप का है। तो आपका जो सिमिलर डेटा है, सारा का सारा डाटा आपका इंटीजर टाइप का है, मतलब डेटा आपका सारा सिमिलर है। तो इसको हम स्टोर कर लेते हैं एक एरे में। एरे बेसिकली आपका एक ट्रे की तरह होता है। आपका डेटा आता जाएगा 10, 20, 5, 7, और बड़ा ही सिस्टमेटिक रहता है। तो आप निकाल भी इसमें से बड़े इजीली सकते हैं। तो रिट्रैक्ट जब आपको डेटा करना है तो वो भी क्वाइट इजी होता है। अब इसकी जो आपकी डिक्लेरेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। डिक्लेरेशन बहुत सिंपल है, आपको बस बेस टाइप बताना है पहले कि मेरा डेटा जो है वो किस टाइप का है, वो आपने दे दिया। उसके बाद आपको एरे का आपने जो भी नेम देना है वो आप दे लें, और उसके बाद आप चाहते कितने एलिमेंट्स हो। मान लीजिए अगर मेरे को यहां चाहिए कि मेरे पास 10 एलिमेंट स्टोर करने लायक जगह हो, तो मैं यहां 10 पुट कर दूंगा। मुझे जरूरत है 5 ही एलिमेंट स्टोर करने हैं, मुझे 5 कर दूंगा। 50 करने हैं तो 50 कर दूंगा। ये फायदा होता है एरेज का। एरेज को जनरली जब हम इंप्लीमेंट करते हैं तो विद द यूज ऑफ लूप्स ही करते हैं। तो इसलिए आपको पहले मैंने लूप्स पढ़ाया था कि लूप्स कैसे यूज होते हैं, उसके बाद आपको एरे बताया। अब एरे का फायदा क्या है ये आप देखिए। तो अब यूज देख लेते हैं एरे का। मान लीजिए मेरे पास एक प्रोग्राम है कि मुझे 10 इंटीजर्स रीड करने हैं और एवरेज फाइंड आउट करना है। तो अब इसमें आपको पता है 10 इंटीजर, मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो मुझे रीड कराने हैं, और उसके बाद बस मुझे बता देना है कि क्लास में एवरेज कितना आया है बच्चों के मार्क्स। तो सीधा इसमें आप देखेंगे कि आप लूप लगा देंगे, फॉर लूप लगा दिया, ये काम कैसे कर रहा है। आए मैंने इनिशियलाइज 0 करा है, मुझे पता है 10 नंबर मुझे एंटर कराने हैं, और इस काउंटर को मेरे को बढ़ाते रहो हर बार। अब क्या है आपको, अब ये ही मान लीजिए यही है मार्क्स मेरे, तो सबसे पहले आएगा 10। अब यहां पर जो है यूजर एंटर कराएगा, रीड कराया उसने सबसे पहले, मान लीजिए सीधा ये मैं सी में दिखा रहा हूं आपको कि किस तरह हो रहा है। नंबर मान लीजिए इसको, और ये मैंने रीड करा दिया। मतलब ये स्टेप मेरा ये है कि भाई आप रीड करो द नंबर, अगर एल्गोरिदम में लिखूं तो। देन इसी में अंदर लूप में हो रहा है, आप एक सम रख लो और सम में वो जो नया नंबर आया उसको ऐड करा दो। सम को मान लो मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया कि मेरा सम अभी तो अभी एक भी नंबर नहीं है तो 0 है। पहला नंबर आया और ये लूप बंद, पहला नंबर आया, नंबर 1 था 10, तो 0 प्लस 10 10। अब सम कितना बन गया, सम बन गया 10। अब होगा क्या, दोबारा से लूप चेक करेगा कि आई की वैल्यू अभी भी सेकंड नंबर आ रहा है तो 10 से कम है। अब होगा क्या, ये एक और बार आगे बढ़ेगा, दूसरा नंबर लेगा, दूसरा नंबर मेरा 20 था, सम की वैल्यू मेरी नई 10 बन चुकी है, 10 प्लस 20 30 होगी। ऐसी ये लूप रिपीट करता रहेगा, लूप रिपीट करता रहेगा, फिर 35, फिर 42, ऐसे ही। अब होगा क्या, इसमें देखूं तो यहां पर लास्ट में मेरा आंसर मेरे को मिल जाएगा, जो भी आंसर है, और फिर उसको डिवाइड बाय 10
10 नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज भी आ जाएगा। बट मान लीजिए इसी प्रोग्राम की जगह इसी में थोड़ा सा अगर मैं एडिशन कर दूं और इसकी जगह ये प्रोग्राम ना होके ये होता कि आपको फाइंड करना है कि हाउ मैनी आर लेस देन एवरेज, मतलब मेरे को ये पता लगाना है कि एवरेज स्टूडेंट, मान लो अगर एवरेज मार्क्स मेरे 15 हैं तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके 15 से कम मार्क्स आए हैं। अब इस केस में यहाँ पर अगर मैं करने जाऊँ तो मैं अब इसके साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता अगर मैं एरे यूज़ नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने डेटा को, जो मेरा डेटा एंटर हो रहा था उसको कहीं मैंने सेव ही नहीं किया। आता गया 10, अगला 20 आया, 5 आया, मैं प्लस कर करके उसको आगे निकालता गया, मैंने कहीं उसको सेव ही नहीं किया। बट अगर मेरे पास एरे होता, अगर मैंने एरे इम्प्लीमेंट शुरू में किया होता तो मेरा डेटा बिल्कुल तरीके से 10, 20, 5, 7 आया होता और लास्ट में मैं चेक कर सकता था। मान लीजिए मेरा एवरेज 15 आया तो मैं चेक करता पहले वाले के साथ, ठीक है ये है, काउंटर बढ़ा दिया, ये है नहीं है, ये है हाँ, काउंटर बढ़ा दिया, ये है काउंटर बढ़ा दिया। ये अभी मैं आपको पूरा एल्गो में दिखाऊंगा। बट अगर मेरे पास एरे होता तो मैं उस डेटा को स्टोर कर सकता था। तो ये फायदा होता है आपका एरेज का, जब आपके पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको जरूरी है कि आप उसको स्टोर कर रख के रखें, क्या पता आगे कुछ ऐसी चीज डेवलप हो जाए जिसमें आपको जरूरत पड़ जाए उस डेटा की। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला स्टेप आपका रहेगा इनिशियलाइज करने। तो जो भी आपके पास है, जो चीज़ें हैं, इंट में आप इनिशियलाइज कर सकते हैं सम को 0 और एरे को इनिशियलाइज कर दीजिए। तो एरे के लिए मैं ले रहा हूँ नंबर या फिर मैं ले लेता हूँ मार्क्स, मार्क्स 10। इसका मतलब मार्क्स इंटीजर होंगे, इंट मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया था बेस टाइप, एरे नेम और कितने वैल्यूज आने वाले हैं 10, और बाकी की चीज़ें जो आपकी प्रोग्राम में हैं उनको आप इनिशियलाइज कर दीजिएगा। ठीक है, इनिशियलाइजेशन हर एक प्रोग्राम में होता है। स्टेप टू आपका ये है कि अब क्या है, मुझे रीड कराने हैं सारे नंबर्स, बट ये भी है कि उनको स्टोर भी करना है। तो रीड एंड स्टोर इन एरे, पिछली बार मैंने सिर्फ रीड कराया था, कहीं स्टोर नहीं कर रहा था, यहां पर मुझे रीड भी कराने पड़ेंगे, उनको स्टोर करते चलो। तो आप एरे से ही उनको रीड कराओ डायरेक्ट, मतलब जैसे मैंने लूप लगाया था तो वैसा ही लूप लगा दूंगा मैं वापस, इक्वल टू 0 लेस देन 10 हो तो तब तक इंक्रीमेंट करते रहो। यहां पर आप जब करोगे तो रीड कर दो इस बार मार्क्स, ये आपका आए, मतलब जब आपका ये 1 है, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट का, ये जो है ना आपका, ये एक तरह से होते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, मतलब ये मार्क्स 1 है, मार्क्स 2, ये जो आपके ब्लॉक्स हैं, तो ये फर्स्ट के मार्क्स को रीड करेगा आप और वहाँ अपना स्टोर करता जाएगा। देन आप जब सम कराओगे तो आप सम के अंदर भी, सम जैसे मैंने रखा हुआ था पहले प्लस नंबर्स रखा हुआ था, बट यहां पर आप मार्क्स और वही जिस ब्लॉक के लिए आप काम कर रहे हैं, अभी फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, लूप अगर 7th तक पहुंच चुका है तो यहां पर आए 7 आ जाएगा और 7th के ही मार्क्स रीड होंगे, उसी के अंदर रीड होंगे और सम होगा वो भी इसी मार्क्स का। तो ये इसके बाद आप डन करके एवरेज अपना फाइंड कर सकते हैं सम को डिवाइड करके बाय 10। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्योंकि मेरे को चीज एक बढ़ गई है कि हाउ मैनी आर लेस देन द एवरेज। अब ये चेक करने के लिए एवरेज आपने निकाल लिया सम बाय 10, अब इसके बाद क्या है, आपको अगेन एक और लूप लगाना पड़ेगा। तो ये तो आपका था स्टेप 3 जिसमें आपने
एवरेज को फाइंड कर लिया, आपने एवरेज को फाइंड किया। उसके बाद स्टेप फोर में आपका आएगा, अगेन एक लूप लगा दीजिए, लेस देन 10 है तब तक चलते रहो। अब क्या होगा, मैं एक एक नंबर को उठाकर A1 जो है उसको कंपेयर कराऊंगा एवरेज से, फिर A2 है उसको कंपेयर कराऊंगा एवरेज से, फिर A3 है उसको कंपेयर कराऊंगा एवरेज से। और क्योंकि मुझे सिर्फ ये पूछा है हाउ मैनी आर लेस देन, तो मैं उस काउंटर को बढ़ाता जाऊंगा, सीधा बोलूंगा इफ मार्क्स आई इज लेस देन एवरेज, अगर ये लेस है तो आप काउंट को काउंट प्लस वन कर दो, वरना आप मत करो। ये इफ एल्स बेसिक आपने यूज करा, इफ यूज करा, एल्स कंडीशन की मुझे जरूरत ही नहीं थी। ये एक लूप में चलेगा, इसकी वजह से पहले ये A1 को रीड करेगा, देखेगा 10 मेरा एवरेज 15 था, तो इसका मतलब ये कम है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। काउंट मैंने जब इनिशियलाइज करा था तो वो 0 इनिशियलाइज करूंगा, तो यहां पर अब वैल्यू 1 आ गई। देन अगेन चेक करेगा 20 बड़ा है, नहीं करेगा, 5 छोटा है, काउंट की वैल्यू और बढ़ा के 2 कर देगा, 7 छोटा है, काउंट की वैल्यू बढ़ा के 3 कर देगा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो ये फायदा होता है आपका एरेज यूज करने का, ताकि आप डेटा को स्टोर कर सको, फिर मैनिपुलेट कर सको। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप एक्टिविटी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू।